तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ। अगर आप अपने मोबाइल में एडिटिंग करते हैं या बोल सकते हैं फोटो एडिटिंग करते हैं, तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम का आने वाला है। क्या ये फीचर है, काम मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो उसमें जैसा कि नहीं बताया, मैं आपको बताना हूँ कमाल का एक हिडन फीचर सैमसंग गैलेक्सी का। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको अपनी कोई से भी फोटोज को एडिट में ओपन कर लेना है। ओपन करना है एडिट के अंदर। एडिट में ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिलता है, आप देख रहे होंगे। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल करके। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, पर फिर भी बता रहा हूँ, इसमें एक आराम बहुत ही अच्छा फीचर है। आपको यहाँ चले जाना है स्टाइल के अंदर। अब स्टाइल के अंदर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे जो कि आपकी फोटो को आप अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं या फोटो को और अच्छा आप यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक पोर्ट्रेट में, पोस्टर में, या फिर बहुत सारे इसमें इफेक्ट दिए हुए, जिसमें भी आप यहाँ पर बनाना चाहे आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उसका कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कितनी उसकी कैपेसिटी हो, आप उसकी कैपेसिटी को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए गए, आप देख रहे होंगे मार्कर, ये बहुत सारे दिए। ये तो सबको पता है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज का जो मैं बताने वाला हूँ हिडन फीचर, वो इसी के अंदर है। इसी के अंदर हिडन फीचर क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने अभी ये पैन एंड वॉश वाला इफेक्ट को ऐड करा, तो ये मेरी पूरी फोटो में इफेक्ट हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे बैकग्राउंड में हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इसके अंदर। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर बना हुआ है, तो ये सिर्फ बैकग्राउंड में ही हुआ और फ्रंट में नहीं हुआ। आप कोई से भी इफेक्ट में जाएं, आप सारे इफेक्ट में ऐसा कर सकते हैं कि वो आपके बैकग्राउंड में हो या ना हो, आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज तो ये हो गई कि बैकग्राउंड में हो और ये फ्रंट में ना हो। मैं आपको थोड़ा एक फ्रंट वाली फोटो के साथ दिखा। लाइक ये मेरी फोटो है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एडिट में क्लिक करा, यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करा, यहाँ स्टाइल पे क्लिक करा। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये पूरी फोटो में इफेक्ट आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट पूरा बस बैकग्राउंड में आए और मेरे फेस पे ना आए या फिर मेरे उस पे ना आए। तो मैंने यहाँ पर ये बना हुआ, आप दिख रहे होंगे, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे सिर्फ फेस पे नहीं आएगा और बाकी पूरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, पूरे बैकग्राउंड में वो इफेक्ट आ चुका है। आप देख रहे होंगे पूरे बैकग्राउंड में इफेक्ट को ले लिया है। और आप एक एक चीज़ और चाहते हैं कि यार, या फिर मेरे पे आए और ये बैकग्राउंड में ना जाए, तो एक बार और वहाँ पर आप टैप करेंगे तो वो इफेक्ट सिर्फ आपके ऊपर आएगा और पूरे बैकग्राउंड में नहीं आएगा। आप यहाँ से उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ये आप कितने भी स्टाइल दिए हैं, सभी स्टाइल में आप ट्राई करेंगे तो सभी स्टाइल में ये फ्यूचर वर्क करने वाला है कि आपको कैसे इफेक्ट, जैसा कि ये देख रहे हैं आप कितना शानदार लग रहा है, इसमें इफेक्ट बिल्कुल बैकग्राउंड में आया है और फ्रंट में नहीं आया। तो ऐसे ही आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। किसी में आपको लगता है कि यार नहीं, ये मेरे फेस पे आना चाहिए और बैकग्राउंड में नहीं आना चाहिए, तो आप वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और सब पे जाते हैं तो वापस टैप कर दीजिए और वो सब पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये फीचर मुझे बहुत ही शानदार लगा। अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं तो भाई ये फीचर तो बहुत ही कातिल फीचर है यार, मतलब कि बहुत ही अल्टीमेट फीचर है। मुझे तो ये फीचर बहुत ही शानदार लगा, इफेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये प्री इंस्टॉल, मतलब बोल सकते हैं प्री इंस्टॉल एडिटर में कभी ऐसा फीचर नहीं देखा गया जैसा कि ये फीचर अभी सैमसंग गैलेक्सी में एड ऑन कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप इससे पहले भी देखें, इससे पहले या और कोई मोबाइल भी देखें, उसमें एडिटिंग के इफेक्ट्स तो मिल जाएंगे, पर इफेक्ट के अंदर भी ऐसा ऑप्शन मुश्किल है किसी किसी में मिले। तो ये फीचर मुझे तो बहुत शानदार लगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला फीचर पता था या नहीं था, और अगर आपने अभी तक इसको यूज़ किया कि नहीं किया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।